सुनकर बहुत खुश होंगे और आपकी तरह से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। चलें जी, तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। हमें रिक्वेस्ट आई है कि आप अपने गीले बालों को कैसे ड्राई करती हैं, वो भी टावल के साथ। तो देखिए, टावल पहले से मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है और इस टाइम में जस्ट शावर लेकर आई हूँ और देखिए कि मेरे बाल इस टाइम बिल्कुल गीले हैं, आपको अच्छी तरह से नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये गीले हैं और जब मैं नहा कर आती हूँ तब मेरे बालों की लुक कुछ इस तरह की आती है, बिल्कुल गीले होते हैं और थोड़े उलझे हुए भी होते हैं। जाहिर बात है कि आप लोगों ने शैम्पू किया होता है बालों में तो बाल तो हैं जो वो थोड़े से उलझ जाते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस टाइम मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं अपने बालों को टावल के साथ कैसे ड्राई करती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने बाल आगे किए, ये देखिए इस तरीके से बालों को आगे किया। बालों के नीचे हमने रख लेना है टावल। टावल आपने लेना है जो नरम हो, ये नहीं कि जो हार्ड हो। अब ये वाला जो टावल है ना, ये बहुत सॉफ्ट है, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट टावल आप लोगों ने लेना है, बालों के नीचे इस तरीके से रखना है, बालों को इस तरीके से इसमें रैप कर देना। पहले हम बालों को इस तरीके से रैप करेंगे और बालों को थोड़ा सा दबाएंगे नीचे की तरफ, ताकि जितना भी वाटर है वो नीचे की तरफ हमारा जो है वो निकल जाए। इस तरीके से करेंगे, ये देखिए ये हमने दबा लिया। 1-2 मिनट तक हम इनको ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको ऐसे करना है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमने रैप किया था इसको खोलेंगे और अगेन इस तरीके से करके बालों को हल्का हल्का सा ऐसे करेंगे, हल्का हल्का सा। ये नहीं कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे करेंगे तो बाल रफ हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने बालों को इस तरीके से करना हाँ जी, ऐसे नीचे तक। है ऐसे, क्योंकि इतना नीचे मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं जाहिर बात है, बट मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमने बालों को करना है, इस तरीके से बिल्कुल आराम से प्यार से करेंगे। ये देखें, ये जो पानी है जितना भी वो हमारे बालों में से निकल रहा है, वो ठीक है टावल में जजब हो रहा है वो। इस तरीके से करते जाएंगे बालों को। काफी लोगों को मैंने देखा है वो जो है वो इस तरीके से करती हैं, यूं टावल को करती हैं जी फोल्ड, यानी कि ट्विस्ट कर लेती हैं जो भी इसको कहा जाता है, और फिर ऐसे करती हैं इस तरीके से। ये मैं देखिए, टूट जाएंगे अब ये तो। कितने मेरे बाल जो हैं वो उलझ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे टूट के सारे बाल नीचे गिर जाएंगे। इस तरह आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया आप लोगों ने बिल्कुल वैसे करना है, बाल ड्राई भी हो जाएंगे और बाल अच्छे भी रहेंगे। चलें जी, तो अब हम क्या करेंगे, जब बाल थोड़े से ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को कॉम्बिंग करके और बिल्कुल ड्राई बालों की आपको लुक दिखाऊंगी, फिर आप लोग देखना कि मेरे बालों की लुक कैसी आती है और कैसे लगते हैं। चलें जी, तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने अपने कपड़े चेंज किए और वो कलर पहना कि जिसमें आपको मेरे बाल अच्छी तरह से नजर आए, तो फिर ही आपको पता चलेगा कि बालों की लेंथ कितनी है, बाल कैसे लग रहे हैं और बालों की क्या लुक आ रही है। तो चले, अब मैं आपको कॉम करके दिखाती हूँ और बालों की लुक दिखाती हूँ। चलें जी, अब हम कॉमन करते हैं। चले जी, तो अब हम कॉमिंग कर रहे हैं, हमारे बाल मुकम्मल तौर पे नहीं ड्राई हुए हैं, अभी भी गीले हैं, क्योंकि बाल सुखाने में, फैन के नीचे सुखाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि बाल लंबे हैं, घने हैं, तो इतनी जल्दी तो नहीं सूखते हैं बाल। और कोई आर्टिफिशियल चीज हम यूज नहीं करते हैं, कोई मशीन वगैरह जिससे बाल सुखाएं, क्योंकि वो बालों को डैमेज करते हैं, तो हम अपने बालों को डैमेज से बचाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग नेचुरल चीजों से अपने बालों को ड्राई करते हैं, जैसे कि फैन के नीचे। तो फैन के नीचे बालों को ड्राई करने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मेरे बाल आधे जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं और
और आधे जो हैं वो अभी गीले हैं। मैं आपको बालों में कॉमिंग करके भी दिखा रही हूँ और आप मेरे बालों की जो है वो लुक भी देखते रहे साथ साथ। ये वीडियो रिक्वेस्टेड है और बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, सो मैंने कहा कि इस वीडियो को जल्द से जल्द बनाया जाए और अपलोड किया जाए और आपकी रिक्वेस्ट को जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। चलें जी, ये देखिए ये बालों की लुक आ रही है हमारी, हाफ वेट है और हाफ ड्राई है। ये देखिए, आप लोगों ने देख के बताना है कि बाल जो है वो कैसे लग रहे हैं। ये देखिए अभी थोड़े थोड़े गीले हैं, अभी गीले हैं थोड़े थोड़े। चलें जी, तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा याद। मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।